सियापति रामचंद्र की जय। शोभा मन हरण रसीला है, सजनो मत सांग समझ लेना, आज पितृ भगत की लीला है। सारे बाण भाई राम राम भाई, मैं थारा भाई नरसिंह प्रजापत शिवानी, थम देखने ला रहे हो एनपीएस न्यूज भाई। एनपीएस न्यूज ना करे कन्फ्यूज, कल आपने दिखाया था श्री नाम नाटक क्लब के द्वारा शिवानी मंडी में जो बड़ी रामलीला होने जा रही है, उसके अंदर कल जो थे वह नारद जी की भूमिका में प्रवीण वाले की अपने साथ थे, आज पितृ भगत श्रवण की लीला है तो श्रवण कुमार जी अपने साथ मौजूद है, आजाद ग्रोवर जी, इनसे जानेंगे भाई कैसी इनकी रुचि है रामलीला में, तो पूरी बात करते हैं। इस वीडियो में ज्यादा ज्यादा शेयर करियो ताकि हर व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंचे और श्रवण जी के पाठ से प्रेरित हो। तो राम राम आजाद भाई। राम राम भाई, एक बार अपना पूरा नाम पता हमारे दर्शकों को बता दे भाई। मेरा नाम आजाद सिंह ग्रोवर, वार्ड नंबर 5 शिवानी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। तो आजाद भाई, आपको कितने साल हो गए इस लीला से जुड़े हुए? लगभग देखिए मेरे को कम से कम भी 15-20 साल हो गए इससे जुड़े। तो आज आप श्रवण के किरदार में हो, पितृ भगत श्रवण का किरदार करते हुए आपको कितने साल हो गए लीला? पितृ भगत श्रवण का किरदार करते हुए मेरे को कम से कम भी 5 साल हो गए जी। 5 साल हो गए। हाँ जी। तो पितृ भगत श्रवण का किरदार निभाकर आपको कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लग रहा है, पितृ भगत श्रवण का किरदार निभा के, मैं किरदार ही नहीं बल्कि हकीकत में भी अपने जो माँ बाप है उनकी सेवा के ऊपर सभी को भाई ध्यान देना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ और बाप से बढ़ के कोई है नहीं। तो भाई पितृ भगत श्रवण जो था यानी कि अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए चला था और राजा दशरथ के तीर का शिकार हो गया। आगे लीला में भी आपने बीच बीच के पार्ट दिखावांगे, उसके अंदर जो दशरथ का किरदार है वो आपका भाई नरसिंह का ही है, लेकिन वो भी इंटरव्यू आपने पूरा दिखावांगे। जो पितृ भगत श्रवण है उनके जीवन से मतलब लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। तो आजाद भाई, क्या संदेश देना चाहोगे दर्शकों को भाई, श्रवण के रोल से दर्शकों को क्या संदेश लेना चाहिए? देखिए पितृ भगत श्रवण के रोल से मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जो माँ बाप है उनकी कुल की सेवा करनी चाहिए, है क्योंकि माँ है, माँ का दान सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि जब बच्चे को जन्म देती है आप आलने में सो और खुद बच्चे को सूखे में सुलावे, माँ से बढ़ के कोई धरती पे है नहीं, माँ तो माँ है। तो भाई श्रवण भगत जो था वो पितृ भगत में को आया था, यानी कि उन्होंने माँ और बाप की सेवा कर दी। तो आजाद भाई हमारे दर्शक सुनना चाहे आपके श्रवण का कोई भी मतलब आपने फेवरेट गाना लगा था उसकी दो लाइन दर्शक सुना दो। देखिए माता पिता की मैं टहले बजाऊं अड़सठ तीरथ करवाऊं, ये है धर्म मेरा, ये है कर्म मेरा, माता पिता की मैं टहले बजाऊं। क्या बात है भाई, बिल्कुल भाव ही वर्कर जाने वाला भजन है, यानी कि माँ पिता की सेवा करते हुए। तो भाई आजाद भाई उसके बाद में श्रवण को तीर लग जाता है, राजा दशरथ तीर मार देता है, उसके बाद का जो विलाप है गाना है श्रवण का, तो लेन उसकी ओर बना दो। तड़प रही मेरी जान रे, तड़प रही मेरी जान रे, एक शिकारी ने, एक शिकारी ने खींच के मारा बाण रे, तड़फ रही मेरी जान रे, तड़प रही मेरी जान रे। बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला भजन, जिस टाइम राजा दशरथ शर्मा को तीर मार देता है उस समय का ये गाना है, यानी कि पूरी दुनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे पब्लिक बैठी होती है ग्राउंड के अंदर, पूरी पब्लिक जो है वो रो पड़ती है ये गाना सुन करके। तो भाई आपने वीडियो कैसी लगी, आपका इस बारे में क्या विचार है? इस वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर करियो ताकि हर भाइयों तक यह वीडियो पहुंचे और श्रवण के पाठ से शिक्षा ले और माता पिता की सेवा करने के लिए प्रेरित हो। तो भाई क्या की देर कर दो वीडियो ने शेयर, अगली वीडियो मिलेंगे फिर। एनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापत की रिपोर्ट।